हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीशन आयुस इंस्टीट्यूट आज मैं आपको डेटा एंट्री ऑपरेशंस का चैप्टर टू पढ़ाऊंगी ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिसमें कंप्यूटर के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है बेसिक चीज़ें हैं सारी चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर टू ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर नीडेड टू मेक अ कंप्यूटर डू समथिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हैं वो कंप्यूटर को कुछ करने के लिए बहुत ज़रूरी है उनके साथ होना उनका बहुत ज़रूरी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही कंप्यूटर जो है कुछ कर पाता है यू टेल द कंप्यूटर वॉट टू डू एंड इट वर्कस अकॉर्डिंगली इन अदर वर्ड्स यू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर मतलब आप जो है अपना काम जो है कंप्यूटर को देते हैं चाहे वो टाइप करके दें चाहे जैसे भी दें और वो कंप्यूटर जो है अपना आप हमारा कमांड जो है अपने पास रख लेता है इंस्ट्रक्शंस हमारे ले लेता है उसके बाद जो है उस पर वो प्रोसेस करता है सारा काम करता है जो हमने उसे बताया है उसके बाद है टू डू समथिंग फॉर एग्ज़ाम्पल यू वॉन्ट टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई प्रिंट जो है मतलब कोई डॉक्यूमेंट जो है हमें वो प्रिंट करना है एंड गिव अ प्रिंट कमांड्स टू कंप्यूटर और हमें कमांड देना पड़ेगा मतलब उसे ऑर्डर देना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि भाई मुझे ये प्रिंट करना है अब वो हम कैसे देते हैं वो आप लोग को पता है अगर आप लोगों ने ये सब्जेक्ट लिया है तो आप लोग को पता होगा कि ये प्रिंट कैसे करते हैं कंप्यूटर ओ यू एंड प्रिंट्स अ डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर और कंप्यूटर जो है सारी जो भी हमने प्रिंट करने के लिए उसे दे रखा है वो प्रिंट करके फिर प्रिंटर के थ्रू जो है हमें वो रिजल्ट दे देता है बाहर हार्ड कॉपी में उसके आगे है विंडोज़ एक्सपी डेस्कटॉप एलिमेंट्स आफ्टर लॉगिंग ऑन द विंडोज़ एक्सपी यू आर प्रेजेंटेड विद द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज दिस इज कॉल्ड डेस्क जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी स्क्रीन दिखती है वो होती है डैस्कटॉप जिस जो स्क्रीन पहले दिखती है उसे हम डेस्क कहते हैं द एलिमेंट्स जनरली प्रेजेंट ऑन डेस्क आर एस फॉलोज जो एलिमेंट्स उस पे होते हैं डेस्क पे कौन कौन से होते हैं आइकन्स आइकन्स आर ग्राफिकली इमेज ऑफ एन एप्लीकेशन दीज ऑल्सो प्रोवाइड्स द शॉर्टकट वे टू स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर यू नीड टू डबल क्लिक एन आइकन टू स्टार्ट दैट एप्लीकेशन बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जैसे माई कंप्यूटर होता है उस पर हम डबल क्लिक करते हैं ताकि माई कंप्यूटर खुल जाए उस पर हम हमारे जितने भी काम की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं तो एक तरह से हमें लॉन्ग कट ना ले करके उस पर डेस्कटॉप टॉप पे सारे आइकन्स जो होते हैं उसके थ्रू जो है हमें शॉर्टकट मिल जाता है तो हम आराम से डायरेक्ट उस पर डबल क्लिक कर के जहाँ पे हमें जाना है लॉन्ग कट के बजाय शॉर्टकट में पहुंच जाते हैं अब उसके आगे है टास्क बार दिस इज द दॉजेंटल स्ट्रिप प्रेजेंट ऑन द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इट कंटेन्स स्टार्ट बटन्स ऑफ़ द ऑफ ऑल running प्रोग्राम्स आइकन्स फॉर क्विक एक्सेस एंड लॉक एंड क्लॉक मतलब कि टास्क बार जो है सबसे स्क्रीन के सबसे नीचे जो एक लाइन होती है जिसमें स्टार्ट बटन होता है बाकी सारी आपकी बैटरी की इंफॉर्मेशन सारी एक राइट साइड के कॉर्नर में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पे तो टास्क बार उसे कहते हैं जो स्क्रीन के सबसे नीचे होता है स्टार्ट मेन्यूज़ यूजिंग दिस मेन्यू यू कैन ओपन एनी एप्लीकेशन वंस यू लेफ्ट क्लिक द स्टार्ट बटन इट प्रजेंट्स विद इट प्रेजेंट्स यू विद अ लिस्ट ऑफ़ एप्लीकेशंस मतलब इसमें कह रहे हैं जैसे डेस्कटॉप होता है उस पर अगर आप माउस से लेफ़्ट बटन को अगर क्लिक करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी लिस्ट आ जाती हैं एप्लीकेशंस की जिसपे आपको अगर जाना हो अगर आपका उससे न्यू फोल्डर्स भी बन जाते हैं डेस्कटॉप पर तो बहुत सारे उसमें एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आपको जाना हो आप वहाँ से जा सकते हैं उसके बाद आगे है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्क्रीन एलिमेंट्स पहला है स्टार्ट बटन स्टार्ट बटन दिस बटन इज़ लोकेट

जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें खुल जाती हैं वहाँ नीचे सबसे जो है लास्ट तो सॉरी ऑल प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम्स लिखा रहता है उस पर अगर आप क्लिक करें तो बहुत सारे आइकनस खुल जाते हैं जिसमें आपको कहीं आप पेंटिंग पे जा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर विंडोज़ की सारी चीज़ें खुल जाती हैं तो उसमें आप जाके सारे प्रोग्राम्स वगैरह में जितने आइकन्स उसमें किसी पर आपको अगर जाना हो तो आप वहाँ से जा सकते हैं उसके आगे है माई डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजिंग बाय द करेंट यूजर हेयर द यूजर कैन स्टोर डॉक्यूमेंट्स लेटर्स रिपोर्ट्स एक्सेट्रा माय डॉक्यूमेंट में यूज़र जो है अपने लेटर्स रिपोर्ट जो भी सेव करना चाहे अपने डॉक्यूमेंट सेव करना चाहे वहाँ पे स्टोर कर सकता है वहाँ पे जितने उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ स्टोर रहते हैं फोर्थ है माय रीसेंट डॉक्यूमेंट रीसेंट डॉक्यूमेंट मतलब कि डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट बाय द यूजर दिस लिस्ट कंटेंस द लास्ट फिफ्टी डॉक्यूमेंट्स यूज बाय द यूजर मतलब अगर आप लैपटॉप खोलें अपना या कंप्यूटर खोलें तो उसमें जो है लास्ट फिफ्टी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से खोले गए हैं वो शो करेगा हिस्ट्री जो जैसे यूट्यूब में होता है कि हिस्ट्री शो करता है लास्ट वीडियोज़ हमने कितनी देखी है तो वो तो पूरा शो करता है लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप में जो है लास्ट uh, फिफ्टीन चीज़ें जो कि जिसने भी इससे पहले यूज़ किया होगा जो जो खोला होगा सारी चीज़ें इंफॉमेशन जो है लास्ट फिफ्टीन चीज़ें खुली रहती हैं मतलब उसमें इंफॉमेशन मिल जाती है माई पिक्चर भी आप लोग को पता ही होगा माई पिक्चर में डिस्प्ले लिस्ट ऑफ़ पिक्चर्स फोटोज़ यूज बाय द यूज़र पिक्चर्स होती हैं सारी जो फोटोज़ uh, वगैरह जो यूज़र की होती हैं सिक्स में माई म्यूज़िक में म्यूज़िक होते हैं सारे माई कंप्यूटर में दिस आइकन कैन प्रोवाइड एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ़ द कंप्यूटर सिस्टम यूज़र कैन व्यू ऑल द ड्राइव्स एंड फाइल्स थ्रू माई कंप्यूटर माई कंप्यूटर में सारी चीज़ें हमारी बैकअप होता है सारी चीज़ें हमें फो, फोटोज़ वगैरह या डॉक्यूमेंट या डाउनलोड सारी जितनी जितनी भी चीज़ें हमें रखनी होती है माईक्रो सॉरी माई कंप्यूटर में होती ही होती है तो आप अपना माई कंप्यूटर से जाकर देख सकते हैं लॉन्ग कट से भी जा सकते हैं शॉर्ट अगर आप डेस्क टॉप अपने अपना शॉर्ट बना रखा है कन तो वहाँ से भी जा सकते हैं डायरेक्टली उसके बाद है सर्च सर्च तो ऑब्वियसली वर्ड नाम से समझ में आ रहा होगा कोई भी चीज़ अगर आप लोग फाइल फोल्डर सर्च करना है तो आप लोग वहाँ से सर्च कर सकते हैं उसके आगे है स्टार्टअप प्रोग्राम ये स्टेप्स हैं कि प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करते हैं इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोग्राम कॉल्ड एम एस पेंट टू द फॉलोइंग फर्स्ट क्लिक स्टार्ट बटन सेकेंड क्लिक ऑल प्रोग्राम्स थर्ड पॉइंट द एक्सेसरीज़ आइटम फोर्थ है सिलेक्ट द प्रोग्राम पेंट उसके बाद है क्विक अप कोटा प्रोग्राम अगर अगर आपको प्रोग्राम जो एग्जिट करना है तो फर्स्ट है क्लिक द क्लोज बटन उस क्लोज बटन ऊपर कॉर्नर में ऐसे एक्स बना होता है प्रेजेंट ऑन द टॉप राइट टॉप राइट के ऊपर राइट की तरफ पे जो है क्रॉस बटन बना होता है उस पर आप क्लिक करेंगे कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन के कॉर्नर में एक्स बना होता है उसके ऊपर आप लोग अगर uh, क्लिक कर देंगे तो प्रोग्राम जो है क्विट हो जाएगा उसके बाद है लोकेटिंग फाइल और फोल्डर विंडोज़ एक्सपी प्रोफेशनली कम्स विद अ पावरफुल सर्च टूल्स दैट यू कैन यूज़ टू फाइंड फाइंड फाइल And folder that are saved on your computer or on your network drives. You can use Windows XP search to find first a picture, music, and videos, second, documents like word processing, spreadsheet, text, files, etc., third, all files and folders with name, specific size, modified dates, etc., fourth, a computer or people, fifth, information in help and support center. द स्टेप्स टू यूज द सर्च फैसिलिटी आर एस फॉर सर्च को मतलब सर्च कैसे किया जाता है स्टेप्स हैं फर्स्ट क्लिक द स्टार्ट बटन सेकेंड सिलेक्ट द सिलेक्ट द सर्च आइटम यू विल बी प्रेजेंटेड विद द सर्च विंडोज थर्ड है क्लिक द कैटेगरी ऑफ फाइल यू वॉन्ट टू सर्च फॉर एग्जाम्पल टू सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर क्लिक द ऑल फाइल एंड फोल्डर अ डायलॉग बॉक्स अपीयर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा उसमें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन भरनी होगी फोर्थ है एंटर द सर्च क्राइटेरिया एंड क्लिक द सर्च बटन टू लोकेट द आइटम और उसके बाद सर्च तो बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है सारी इंफॉर्मेशन डाल करके और उसके बाद फिफ्थ है इफ़ द आइटम इज़ फाउंड विंडोज़ विल शो द आइटम और एल्स विल एडवाइज यू टू चेंज योर सर्च क्राइटेरिया एग्ज़ाम्पल सर्च फॉर फाइल्स और फोल्डर्स बाय द फाइल नेम और पाथ ऑफ द फाइल नेम A word or phrase is in the file, the drive where the file is saved or एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री मतलब कि कोई भी चीज़ इसमें पूरा स्टेप्स बता रखे हैं कैसे कैसे आप लोग को सर्च करना है तो जब आप लोग सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी कि कौन से फोल्डर में हो सकती है जितना भी आप लोग को डाउट हो कि इस फोल्डर में शायद वो फ़ाइल हो सकती है जो फाइल आप लोग को मिल नहीं रही तो उसका नाम और किस नाम से आपने सेव करा था वो फ़ाइल वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल करके फिर आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है फिर वो सर्च अगर वो मिल जाएगी तो आपका आप वहाँ पर आ जाएगा वो फाइल उसके बाद है कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज टूल्स दैट आर यूज टू चेंज द फंक्शनिंग ऑफ़ विंडोज विंडोज़ एक्सपी मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्फिग्रेशन टूल्स आर लोकेटेड सम ऑफ दीज टूल्स हेल्प चेंजेस चेंज द सेटिंग्स दैट मेक द कंप्यूटर ईजियर टू यूज फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेंज डिस्प्ले सेटिंग साउंड सेटिंग माउज एंड कीबोर्ड बिहेवियर मेन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन गेम्स कंट्रोलर एक्सेट्रा टू एक्सेस द कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल का क्या काम होता है सारी चीज़ों को कंट्रोल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें वो कंट्रोल करता है मैनेज करके रखता है और सेटिंग्स अगर हम अपने तरफ से चेंज करना चाहें या की और माउस का बिहेवियर अगर चेंज करना चाहें तो वो भी कर देगा तो पूरा हम पे डिपेंड करता है हम किस तरह सेटिंग करते हैं और कंट्रोल पैनल है उसी हिसाब से फिर जो है सारी चीज़ें मेनटेन करके कंट्रोल करके चलता है उसके बाद है माई कंप्यूटर माई कंप्यूटर प्रोवाइड्स एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑन On your computer the ma the My Computer Windows contains all the storage drives of your computer. First a part hai you can perform all the important system related task within the within the My Computer Windows. You can view free view uh, free disk space. मतलब उसमें आप My Computer में जा करके जिन्हें भी बैकअप्स uh, वगैरह जो होते हैं, उसमें आप स्पेस देख सकते हैं कि इसमें कितना स्पेस है, कितना स्पेस नहीं है। तो वो शो करता है My Computer ओपन करते ही ऐड और रिमूव प्रोग्राम चेंज सेटिंग्स एक्सेट्रा मतलब आप उसमें जो फोल्डर्स में जा कर के सेटिंग चेंज करना चाहते हैं रिमूव करना चाहते हैं कुछ डिलीट करना चाहते हैं सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बी पार्ट है ड्राइव ड्राइव फाइल फ़ोल्डर डॉक्यूमेंट्स नेटवर्क प्लेसेस शेयर डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा कैन बी एक्सेस थ्रू द माई कंप्यूटर विंडोज़ ये ड्राइव फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें जो आपको माई कंप्यूटर पर मिल जाएगी अब उन सारी चीज़ों की भी डिटेल्स हैं जैसे कि पहला है ड्राइव drive are the device present with, within the computer system on which data is stored most computer systems have, uh, have at least two drives hard drive to store data and a floppy or cd drive द हार्ड ड्राइव इज़ द मेन डेटा स्टोरेज डिवाइस मतलब हार्ड ड्राइव जो होती है मतलब डिवाइस में जो हार्ड ड्राइव होती है दो ड्राइव्स होती हैं एक तो या तो हम बाहर की जैसे रैम और रोम होता है वैसी ड्राइव्स होती हैं जो हम उसमें अपनी सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं और बाकी सीडी जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क ये सब हो गई तो वो सब अलग से यूज़ कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन और डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए नेक्स्ट है फोल्डर डबल क्लिकिंग अ ड्राइव डिस्प्ले द फोल्डर एंड फाइल प्रेजेंट विद इन द ड्राइव अ फोल्डर इज़ अ कंटेनर विच स्टोर डॉक्यूमेंट्स क्रिएटिंग अ न्यू फाइल और फोल्डर मैं शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में समझाती हूँ आप लोग को जैसे आपको कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो आप जो है जैसे डेस्कटॉप पे मैंने आपको बताया डेस्कटॉप पे अगर आप लेफ्ट माउस का की दबाते हैं तो उससे कुछ ऑप्शंस निकल आते हैं उसमें जो है न्यू पे जाएंगे न्यू आपको डायरेक्ट टॉप पर एक और पेज खुल जाएगा उस पर टॉप पे फोल्डर लिखा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इसी तरह अगर आप माई कंप्यूटर में जा के उसमें कहीं पर भी अगर आप क्लिक करते हैं लेफ़्ट माउस का बटन तो एक न्यू पेज खुलेगा उसमें जो है टॉप पर फोल्डर लिखा होता है उस पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो एक और मतलब फोल्डर जो है आपका रेडी हो जाएगा इसी तरह से अगर आपको माई कंप्यूटर में क्रिएट करना है सेम फॉर्मेट उसमें भी होता है जैसे मैंने अभी इससे पहले जो है फ्रंट पहले पेज में मैंने बताया था आपको डेस्कटॉप पे उसी के जो है सारे स्टेप्स दे रखे हैं तो आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा अब इसके बाद है कॉपिंग फाइल और फोल्डर कोई भी चीज़ आपको कॉपी करने के लिए मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ डिटेल में आप लोग स्टेप्स पढ़ लीजिएगा कि आप जैसे कोई भी चीज़ आपको कॉपी करनी है तो उस पर आप लेफ्ट माउस का उस पर जाएंगे उस पर उसको सिलेक्ट करेंगे देन लेफ्ट uh, क्लिक करेंगे माउस का उसके बाद कुछ ऑप्शन आ जाएंगे उसमें एक कॉपी होगा कॉपी को क्लिक करिएगा देन उसके बाद जहाँ पर आपको पेस्ट करना है ले जा करके वहाँ वो वाले फाइल खोलिएगा उस पर जा करके आप दोबारा लेफ्ट बटन क्लिक करिएगा उसके बाद वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा पेस्ट ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा वो फाइल जो है वहाँ पर पे पेस्ट हो जाएगी उसके बाद है कटिंग फाइल और फोल्डर ये भी बहुत इजी मैं आपको है अपनी लैंग्वेज में हिंदी में बता देती हूँ जैसे आपको कुछ कट करना है वो फाइल वगैरह डिलीट करनी है तो उस पर आप जाइएगा जो जी आप जो भी आपको डिलीट करना है तो उस पर आप सिलेक्ट करेंगे देन आप लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे माउस का उसके बाद उसमें कट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा वो फाइल कट हो जाएगी उसके बाद है पेस्टिंग का फाइल और फोल्डर जो कि मैंने आपको अभी ऊपर वाले में कॉपिंग का फाइल और फोल्डर में बताया कि जो भी आप कॉपी करेंगे तो वही पेस्ट का है कि जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ ले जाकर आप पेस्ट कर दीजिएगा बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी वीडियोज देखने के लिए बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर ये एग्जाम्स